देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म के समय यानी आधी रात में जब पूजा की जाती है तो खीरे का विशेष महत्व होता है। इस समय खास तौर पर डंठल वाले खीरे का इस्तेमाल किया जाता है, पर क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? भगवान के जन्म के बाद डंठल को खीरे से अलग कर दिया जाता है, वो भी चांदी के सिक्के की मदद से। यानी जन्माष्टमी पर खीरे को चांदी के सिक्के से काटा जाता है, पर इसके पीछे की वजह क्या है, ये पूरी जानकारी हमें वाराणसी के पंडित संजय उपाध्याय से मिली है। पंडित जी इस बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म खीरे से क्यों होता है, ये बहुत रहस्यमय प्रश्न है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि खीरा जो है गर्भाशय से संबंध रखता है। खीरा में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से भगवान लड्डू गोपाल का जन्म जो है खीरे से ही मनाया जाता है और खीरा चढ़ाने की विशेष प्रक्रिया है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जैसे श्री कृष्ण के जन्म के बाद खीरे को डंठल से अलग कर दिया जाता है, वैसे ही गर्भ से बाहर आने के बाद एक शिशु भी नाल से अलग होता है। जन्माष्टमी पर खीरे को काटने का मतलब होता है कि बाल गोपाल को माता देवकी के गर्भ से अलग कर दिया गया है। आया जाता है और डंठल वाला खीरा होना चाहिए, क्योंकि डंठल वाला खीरा जो है जो नाल होता है उस नाल का प्रतीक माना जाता है, गर्भ से निकले हुए नाल का। इसलिए खीरे में ही भगवान का जन्म मनाया जाता है और वह पवित्र भी होता है, शुद्ध होता है सभी फलों में, इसलिए उसकी महत्ता ज्यादा। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव आधी रात को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के बाद कटे हुए खीरे को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। तो इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी क्या वजह है, तो आप उन्हें इसके पीछे का कारण जरूर बताएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।